हेलो एंड वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं आर के रमन आप सभी विद्यार्थियों का रमन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से सुने और लास्ट तक वीडियो में कितनी काम की चीज़ें आपके गुरुजी ने आपको बताई है उनको अपनी नोटबुक में एक प्रॉपर वे में नोट जरूर कर लें। स्टूडेंट, आप लोगों को जैसे कि जानकारी है कि अभी रिसेंटली फिर एक बार PHPSCL के लिए फॉर्म को रीओपन किया गया है, तो 15 अक्टूबर तक बहुत ही क्लियरली फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एग्जाम डेट आपके आगे शिफ्ट होना तय। अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन मानकर ये चल सकते हो कि अभी अक्टूबर कोई चांस है नहीं, क्योंकि जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको स्क्रूटनी एडमिट कार्ड से तरीके से करनी है। अब ऐसे में सामने जो एग्जाम तक का टाइम है उसे बेस्ट वे में किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज करें। कुछ लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से किया ही नहीं, समय मिला है कभी इधर से पढ़ो कभी उधर से पढ़ो, अपनी तैयारी की वाट लगा बैठे। यार, किसी भी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना जरूरी है। जब इसने सिलेबस में बड़े तरीके से 15, 16, 17, 18 चैप्टर लिख दिए, तो इनको बारीकी से पढ़िए। 50 चैप्टर थोड़ा ना पढ़ना है, तो इसका मतलब लेवल तो ठीक ठाक जाता है, तो उस लेवल को मैच करवाते हुए चीजों को आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सटीक स्ट्रैटेजी पर बात कर रहा हूं कि भैया क्या करना क्या नहीं करना, और आज से जब भी आप इस वीडियो को देखें इसको प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करना शुरू जरूर कर देना, नहीं तो दिक्कत होगी। देखो बच्चों, यहां पर हम लोग देखते हैं, एक बनाइए पर डे प्लान, क्योंकि अब जीरो से शुरू अगर आप कर रहे हो तो फिर तो मजेदार चीज नहीं है भाई। एक बनाइए पर डे प्लान, प्रतिदिन का प्लान है। टोटल अगर सिलेबस की हम बात कर लें तो सिलेबस में आपके 18 चैप्टर है, सब्जेक्ट तो नहीं है चैप्टर है। अच्छा सर, ठीक है, अब क्या करें। इन्हें आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया। दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब है, करके देखना जरा ना, चार दिन में ही अंतर दिखाई दिया तो बात है। मैं इसमें एक फर्स्ट सेक्शन ले लेता हूं, 9 चैप्टर, और फिर ऐसे ही मैं तोड़ देता हूं सेकंड में 9 चैप्टर। तो कुल मिलाकर पूरे चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर देना, क्या कर दिया, ये दो पार्ट में क्यों किया, इसका भी रीजन है मेरे पास में कि दो पार्ट में हमने क्यों किया इसे। इन्हें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ये अपने अनुसार डिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने अनुसार कीजिए। आपको पहला रखना 18वां रखना वो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, आपने तोड़ दिया। अब पर डे क्या करें, जैसा आज हमारा सैटरडे है, आज शनिवार है, तो पहले क्या करना है, पूरा समय टेक्निकल को नहीं देना, नॉन टेक की बात अभी करूंगा, ये मैंने सिर्फ टेक्निकल की बात से शुरू किया। जैसे माना आज सैटरडे है तो फर्स्ट वालों का पहले रिवीजन मारो। अरे सर ठीक है जी, पहले आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है सर, रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर सूत्र। अच्छा, इसमें आपको 2 घंटे लग जाए 3 घंटे लगे, पहले ये काम करो, इसको पर डे करो। पहला पोर्शन आ गया, रिवीजन कर लिया पहले 9 का, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप शॉर्ट नोट्स या सूत्र पढ़ोगे ना तो कम समय में ज्यादा चीजें पल्ले पड़ जाएंगे। रिवीजन के बाद अब क्या करें सर, रिवीजन के बाद में 2 आवर इनके ऑब्जेक्टिव करो, या फिर क्या करने भैया, इसके ऑब्जेक्टिव करोगे या फिर न्यूमेरिकल करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं या फिर न्यूमेरिकल करने हैं। चलो जी, ये सैटरडे की कहानी हो गई। अब नेक्स्ट डे, अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे क्या करो, कम से कम आपकी 6 आवर की प्लानिंग टेक्निकल की होनी चाहिए अब से, क्योंकि अब एग्जाम मान के चलो नवंबर में हो गया, बेहतरीन 10-15 दिन आगे जाए तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे आ गया, यानी सैटरडे से संडे आ गए, मंडे आ गए। चलिए जी, अब फिर से बच्चों जो नेक्स्ट वाले 9 सब्जेक्ट होंगे जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है 9 और 9 की, फिर इनका रिवीजन कीजिए। अच्छा सर, रिवीजन सेम वही शॉर्ट नोट्स, ठीक है सर, और सूत्र। ये करने के बाद फिर से 2 आवर ऑब्जेक्टिव लगाओ। अच्छा, ये हो गया जी आपके टेक्निकल की प्लानिंग। अब देखो, जैसे आपका नॉन टेक में आपको बता रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास रीजनिंग है, हमारे पास जीएस है, हमारे पास हिंदी है, हमारे पास में यही तो चीजें हैं। तो इन पोर्शन को भी दो जगह डिवाइड कर लो, दो जगह। हाँ जी, एक जगह 3 सब्जेक्ट और एक जगह 2 सब्जेक्ट। जैसे इनको पहले में तोड़ दिया और इनको दूसरे में तोड़ दिया, नॉन टेक में भी ये मेरे लिए फर्स्ट है और ये मेरे लिए अब सेकेंड है। पहले और दूसरे में जैसे ही आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो आपके हर दूसरे दिन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है। क्या नहीं करना उस पर भी आ रहा हूं, मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करो उस पर भी वीडियो दूंगा। तुम लोग मॉक टेस्ट में क्या खिचड़ी पका रहे हो उस पर भी प्रॉपर समझाऊंगा आपको। साथ ही मेगावाट सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं 400 सवाल 350 करवा चुका, क्योंकि पेपर का मुझे तो पहले से ये अंदेशा था कि अभी कुछ डेट वेट है नहीं, तो कौन सी डेट से मैं शुरू कर रहा हूँ मेगावाट सीरीज को, पूरा मसाला तैयार कर लिया मैंने। मतलब ऐसा नहीं छोड़ने वाला भाई, मेहनत की है तो उसे पूरी फाइनल तक भेजूंगा जरूर तुम्हें। तो अभी क्या है, कंप्यूटर रीजनिंग। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, आज सैटरडे को नंबर लगाओ इन दो का, डेली डेली खिचड़ी मत पकाओ ना, क्लियरिटी रखो। अच्छा जी, फर्स्ट वाले को सैटरडे पहले शॉर्ट रिवीजन। अब रीजनिंग में तो क्या रिवीजन करोगे, प्लस प्रैक्टिस, ये डालो उसमें, प्लस में प्रैक्टिस, और समय को अननेसेसरी खराब करने से बचो। फिर जीएस हिंदी इंग्लिश, हाँ गुरुजी, फिर नेक्स्ट डे इनका नंबर आया। अब जैसे इंग्लिश आपकी 5 नंबर की तो आनी है, तो यहां तुम 10-20-30 घंटे देने के बजाय अपने ऐसे पोर्शन पे समय दे देना जहां स्कोर किया जा सकता है। फिर से सेम यही चीज रिपीट करनी है आपको पर डे नॉन टेक में भी। एनी हाउ, आज से कम 4 आवर का आपको टाइम देना चाहिए, 4 आवर का आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अब डेली मॉक टेस्ट की बजाय वीकली 1 या 2 बस मॉक टेस्ट लगाओ, 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाओ, बस वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और कुछ नहीं करना। मॉक टेस्ट तभी लगाओ जब आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, जब तक आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा नहीं तो मॉक टेस्ट लगाकर आपका मोटिवेशन बढ़ेगा नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो वीक में 1-2 मॉक टेस्ट करो अभी, और जो चीजें आपको बताई है बेटा उसको कंटिन्यू करो। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी पोर्शन कमजोर नहीं होगा, पैरेलली आप सबको समय दे रहे हो। तो आपने नॉन टेक में भी बढ़िया करके आना है, आपको टेक्निकल में भी अच्छा करके आना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, क्या नहीं करना, बिना पढ़े मॉक देने की गलती मत करना, मॉक टेस्ट देने की गलती मतलब मूर्खता है, बिना पढ़े मॉक टेस्ट देने की गलती मत करो। और जिस दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो पूरे सिलेबस को तरीके से रिवाइज करके देखो, सोचो कि भैया मुझे गलत नहीं करना, मुझे नर्वस नहीं होना है, मुझे जितनी चीजें आती उतनी को धरातल पे उतारना है,
यदि आप इस स्ट्रैटेजी के साथ आज से ही अगर चलना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि फेल होने का कोई कारण आपके पास में होगा। आप टॉपर्स में से एक बनेंगे, क्योंकि इसमें आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल को प्रॉपर समय दिया है। और इतने दिन आपने, क्योंकि पेपर तो डिले 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 हुआ है, तो अब फॉर्मूला लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, ये सब तो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्स है विक्रांत को, या फिर BSPSL के लिए क्रैश कोर्स, मजेदार डिजाइन है। और विक्रांत प्रो में तो आजकल इल्यूमिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं, खत्म हो जाएगा। और BSPSL में मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं जी, ये मानो कि 5, 7, 10 दिन में वो भी हमारा ओवर हो जाएगा। फिर बस ऑब्जेक्टिव इसमें करते रहेंगे भाई, एग्जाम तक तुम लोगों को टच में तो रखना ही है, क्योंकि जितनी मेहनत है वो सब बेकार नहीं करनी भाई, टच में रखना आप लोगों को। तो आप एप्लीकेशन पर भी BSPSL TG3 के लिए अपने मनपसंद कोर्स को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाबा केदारनाथ जी आपको सद्बुद्धि दें और मेहनत करने की सकारात्मक विचारधारा हमेशा। थैंक यू।